वेल, आप सब ये जानते हैं कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको बीटेक की पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी। बट मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको अमीर बनना है तो किस चीज़ की पढ़ाई होती है भाई? वेल, आप कहेंगे पढ़ाई। सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अमीर बने हैं, बट सर वो तो कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, आप ऐसा बोल सकते हैं मुझे? वेल, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितने भी लोग अमीर बनते हैं वो ऐसे नहीं बनते, उनके पास होती है फाइनेंशियल एजुकेशन जो स्कूल और कॉलेज में नहीं मिलती। बट आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है, हो सकता है वो ऐसा हो जिसमें आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिले ही ना, तो क्या ये आपका हक नहीं है, ये आपका राइट नहीं है कि आप अमीर बने? अगर आपको अमीर बनना है तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 5 बुक्स सजेस्ट करने वाला हूं अकॉर्डिंग टू मी, जिन्हें पढ़कर, जिनसे सीखकर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिल सकती है। तो एक एक करके उन बुक्स के बारे में बात करने वाला हूं, और नंबर 5 पे आती है मेरी बेहद ही पसंदीदा बुक जिसका नाम है मनी मास्टर द गेम। सो इसे मैंने 5th नंबर पे रखा है। अब देख रहे होगे आप, इतनी मोटी बुक है, अब इतनी मोटी बुक है तो आपको लग रहा होगा इसमें सर ऐसा क्या है जो हमें पढ़ना चाहिए। वेल, इसमें 7 सिंपल स्टेप्स हैं अकॉर्डिंग टू एंथनी रॉबिन्स। सो जिनकी आप शक्ल देख रहे हैं, एंथनी रॉबिन्स, इन्हें मोटिवेशनल स्पीकिंग के वर्ल्ड के अंदर किंग कह सकते हैं, हम शहंशाह कह सकते हैं, बिकॉज इन्होंने ही एक तरीके से सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक आग लगाई है। इससे पहले जिम रॉन थे और जिम रॉन के ये स्टूडेंट रहे हुए हैं, तो जिम रॉन के स्टूडेंट एंथनी रॉबिन्स की जो ये बुक है, ये बुक मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा पढ़ने के लिए। इसके अंदर 7 सेक्शंस हैं। जब आप इस बुक को ओपन करोगे आपको दिखेगा इसके अंदर 7 सेक्शंस हैं, और हर सेक्शन के अंदर आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो। आप ये समझते हो कि आपको जब फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी है तो कितना कुछ सीखने की जरूरत है जो आपको हो सकता भी नहीं आता। सो दिस इज द बुक विच आई सजेस्ट ऑन 5th नंबर। नाउ व्हाट कम्स ऑन द नंबर 4, 4th नंबर पे आती है ये बुक, और ये बुक मैंने तकरीबन आज से 8 साल पहले पढ़नी शुरू करी थी और अभी तक ये मेरी फेवरेट बुक में से एक है, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। पहले इसके बुक कवर अलग अलग हो सकते हैं, बट इस बुक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, नेपोलियन हिल जो इस बुक के ऑथर है, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने काम ये किया है कि जब उन्होंने बुक लिखी, उन्होंने ऐसी ही बुक नहीं लिख दी, उन्होंने उस टाइम के सबसे अमीर लोगों का इंटरव्यू लिया, और उस अमीर लोगों की जब आप लिस्ट देखेंगे तो आपको नाम मिलेंगे हेनरी फोर्ड, थॉमस एल्वा एडिसन, ऐसे लोग जो अपने टाइम के सबसे अमीर लोग रह चुके हैं, और उनके सीक्रेट्स आपको मिलते हैं इस बुक के अंदर। देखिए, नाम जब मैंने इस बुक का पहली बार पढ़ा था, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बन जाओ, मुझे बड़ा अजीब लगा, बट मैं आज 8 साल के बाद ये आपको दिल से बोल सकता हूँ कि सोचने से हम अमीर बनते हैं। एंड खासकर जिस बर्निंग डिजायर की इस बुक के अंदर बात हुई है, अगर वो आपके अंदर आ जाए और आपको भी वो रूल्स पता लग जाएं, सो यू कैन ऑल्सो थिंक इन अ डायरेक्शन टू बिकम रिच। सो दिस इज अ बुक विच आई सजेस्ट ऑन 4th नंबर। अगर आपको पैसा कमाना ही है और आपको थोड़ी और डीप इन्फॉर्मेशन लेनी है, एक बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, इसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। बट साइकोलॉजी से ज़्यादा जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स के बारे में जानने को मिलेगा। आपको ना सिर्फ साइकोलॉजी के बारे में बल्कि बिजनेस फील्ड के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, स्टॉक मार्केट के बारे में जानने को मिलेगा। सो ये एक ऐसी किताब है जिसे वो लोग पढ़ें जो थोड़ा एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं। सो दिस इज द बुक विच आई सजेस्ट ऑन 3rd नंबर। सो देयर इज अ बुक जो आपको बहुत पसंद आएगी, एंड ये बच्चे से लेके बूढ़े तक सब पढ़ सकते हैं। सो इसमें मैं ही नहीं बोलूँगा, कुछ डीप है, एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशन है, बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन है। अमीर बनना है तो क्या करना होगा, आप बुक पढ़ सकते हैं द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन सिटी। अब ये बेबीलोन जो सिटी है, अगर आप इस सिटी की हिस्ट्री जानेंगे तो आपको पता लगेगा हमारी हिस्ट्री में जो सबसे अमीर सिटी रही है उनमें से बेबीलोन एक सिटी थी। तो ये वर्ल्ड की एक तरीके से रिचेस्ट सिटी थी उस टाइम की, और उस सिटी के अंदर जो सबसे अमीर आदमी था उसके ऊपर ये बुक है कि वो अमीर बना कैसे। वो बहुत गरीब था पहले, और गरीब से अमीर वो कैसे बना, उसके सीक्रेट्स इस बुक के अंदर है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज बिल्कुल बेस लेवल पर हैं बट वो अमीर बनना चाहते हैं। सो यू कैन रीड दिस बुक द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन सिटी। फाइनली मेरे फेवरेट ऑथर की मैं आपको बुक बताने वाला हूँ जिसे मैं खुद नंबर 1 पे कंसीडर करता हूँ, एंड दैट इज द लास्ट बुक फॉर योर बेस्ट लाइफ, रिटन बाय वन एंड ओनली माय फेवरेट ऑथर पुष्कर राज ठाकुर। सो ये बुक को मैं नंबर 1 पे कंसीडर कर रहा हूँ। वेल, मेरी बुक है तो मैं करूँगा भी, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी बुक है इसलिए मैं इसे नंबर 1 पे कंसीडर कर रहा हूँ। जितनी आसान लैंग्वेज में ये बुक है, ये सारी बुक्स नहीं है, एंड इन बुक्स की इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि इस बुक में मिलेगी,
आपको इस बुक में काफ़ी सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। मैं ऐसा मानता हूँ कि 40 ऐसे लेसन्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें मैंने 8 फैक्टर्स के अंदर डिवाइड किया, जिन्हें मैं 8x फैक्टर्स बोलता हूँ। इन 8 फैक्टर्स के ऊपर अगर आपने महारत हासिल कर ली, इन 8 फैक्टर्स को आपने समझ लिया, तो ना सिर्फ आप अमीर बनने वाले हो, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। तो मैंने इस बुक के ऊपर लिखा था विजडम ऑफ 10,000 ईयर्स। तो जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी हैं आज तक, इनफैक्ट मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज जो भी मैंने, देखिए मैंने बेस लेवल से शुरुआत करी थी एंड आज मैं एक फाइनेंशियली फ्री पर्सन हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सारी नॉलेज लेने के बाद मेरी लाइफ में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स आए हैं। सो आई एम सजेस्टिंग यू दिस बुक, अगर आप सच में वो सारी नॉलेज लेना चाहते हैं जैसे मैं बोलता हूँ, द विजडम ऑफ 10,000 ईयर्स इन टू 8x फैक्टर्स, यू कैन रीड दिस बुक, द लास्ट बुक फॉर योर बेस्ट लाइफ। हिंदी में भी आपको ये बुक मिल जाएगी आखिरी किताब के नाम से। ये सारी बुक्स आपको Amazon पे मिल जाएंगी इजिली, लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको 2 बोनस बुक्स भी सजेस्ट करना चाहूँगा। सो अगर आपने एक किताब पढ़ी है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, तो उन्हीं के ऑथर ने 2 किताबें और लिखी हैं, और ये किताबों में कहीं ना कहीं आपको बाइबल का भी जेस्ट मिलेगा, तो बाइबल से इंस्पायर्ड हैं किताबें, तो आप इन 2 किताबों को भी पढ़ सकते हो। बट इन 2 किताबों को आप तब पढ़ना जब आपने 5 किताबें पढ़ ली, क्योंकि अगर आपने पहले ये पढ़ी और बाद में ये पढ़ी तो आपको लगेगा इनमें नॉलेज ज़्यादा है, बट ये एक तरीके से वो कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप। तो मैं आपको 2 बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, रिचेज आर योर राइट एंड हाउ टू अट्रैक्ट मनी। सो दीज आर द 7 बुक्स विच आई हैव सजेस्टेड यू, एंड टॉप 5 पे नंबर 1 पे आ जाते हैं आखिरी किताब द लास्ट बुक फॉर योर बेस्ट लाइफ। सो इसे मैंने नंबर 1 पे कंसीडर किया है। नंबर 2 पे द रिचेस्ट मैन इन द बैबलोन सिटी, आपको कहानी की फॉर्म में लगेगी ये बुक, बट बहुत अच्छी लगेगी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, जैसे मैंने बोला कि थोड़ी एडवांस नॉलेज लेनी है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसके बाद थिंक एंड ग्रो रिच, एंड फाइनली नंबर 5th पे जो थी मनी मास्टर द गेम। सो बड़ी है बट टाइम लगाना अगर अमीर बनना है। सो अगर आप इन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड आप जो भी सीखने वाले हैं इन किताबों को पढ़ने के बाद उन्हें आप लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, खासकर इस वीडियो को आप शेयर कीजिए जिससे लोगों को पता लगे कि उन्हें इन किताबों को पढ़ने की जरूरत है अमीर बनने के लिए। सो अमीर बनने के लिए भी पढ़ाई होती है, भी करनी जरूरी है। फाइनली अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की पावरफुल वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेंगी आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। एंड आज मैं आपको एक स्टेटमेंट के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा कि आज के जो रीडर्स हैं वो कल के लीडर्स हैं, बट जो आज लोग रीड नहीं करेंगे, जो हैबिट नहीं डालेंगे पढ़ने की सीखने की, वो बहुत पीछे रहने वाले हैं। सो लीडर्स जो कल के बनने वाले हैं वो आज के रीडर्स हैं, रीडर्स ऑफ टुडे विल बिकम द लीडर्स ऑफ टुमारो। विद दिस आई एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप नीचे सेम चीज लिखिएगा, रीडर्स ऑफ टुडे विल बिकम द लीडर्स ऑफ टुमारो, जिससे और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।